हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपका यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक फ़ोटो का ऐसा एडिटिंग सिखाने वाला हूँ जो आपको हर रोज़ आपको वो प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि ये वाला फ़ोटो के ऊपर जो मेरा एक डस्टी टाइप का कलर आ चुकी है। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, एक डस्टी टाइप का कलर आ चुकी है। तो सिंपली इसको मैं सबसे पहले रिमूव करूंगा, और रिमूव करने के बाद आप इसके ऊपर कैसे एडिटिंग वगैरह कर पाओगे वो सारे स्टेप्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहना और सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते रहना, और उसके बाद इस तरह का एडिटिंग आप भी आसानी से कर पाओगे और ये वर्क आप भी कंप्लीट कर पाओगे। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, इस वाला फोटो को फोटोशॉप 7.0 के अंदर ओपन कर लेना है। तो ये जो फोटो है, आप अगर मोबाइल से शूट करते हो या DSLR कोई से भी शूट करते हो, तो कभी कभी क्या हो जाते हैं, जो फोटोज़ है तो उसके ऊपर एक इस तरह व्हाइट टाइप का एक डस्टी कलर आ चुकी है, तो इस तरह आ जाएगा। तो सिंपली इसको रिमूव करने का एक ही स्टेप्स है, आप लोग अगर वो स्टेप्स फॉलो करते हो हर बार तो आपका जो एडिटिंग है वो परफेक्टली हो पाएगा और डस्टी कलर भी यहाँ से हट जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे एडजस्टमेंट आइकन पे यहाँ पे जाइए। सबसे पहले सिलेक्टिव कलर लेना होगा आपको। सिलेक्टिव कलर मैंने ले लिया, तो ये स्टेप्स वाइटल है क्योंकि आपको यहाँ पे सबसे पहले डस्टी कलर रिमूव सिलेक्टिव कलर से ही होता है। यहाँ पे सबसे पहले इसका जो कलर पैनल है, देख सकते हो इसका कलर जो पैनल्स है, इसको कर लीजिए ब्लैक्स। सबसे पहले ब्लैक पैनल को चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको ब्लैक को थोड़ी सी करके इंक्रीज करते रहिए। तो देख सकते हो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो थोड़ी सी यहाँ पे हट रहा है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट 75 के आसपास सबसे पहले डाल देता हूँ। अभी आपको अगर यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी और भी डस्टी कलर है, तो अगर आपका भी फोटो के ऊपर इस तरह डस्टी कलर और भी रह जाती है तो सिंपली ब्लैक से अगेन आपको जाना होगा नेचुरल्स पे यहाँ पे आपको इंक्रीज करना होगा। तो देख सकते हो अभी प्रॉपर कलर यहाँ पे आ रही है। मैं यहाँ पे 30 पे यहाँ पे स्टैंड कर देता हूँ, यहाँ पे ओके कर दूंगा। आपको लगेगा ये तो अंधेरा अंधेरा फोटो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे भी आपको फिक्स करने का कुछ स्टेप्स है। तो अगर आपका फोटो पे सिलेक्टिव कलर अप्लाई करके, मतलब इस तरह फोटो कलर लेने के बाद अगर आपका 30 के आसपास मेरा जिस तरह बड़ा अमाउंट हो चुकी है, तो अगर इस तरह का हो जाए तो सिंपली अभी एक काम करना होगा। क्या होगा, तो सबसे पहले सिलेक्टिव कलर लेके, तो मैं यहाँ पे इस तरह अंधेरा अंधेरा फोटो आ चुकी है, अभी आपको लेना होगा लेबल्स। तो लेबल्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर फोटो में अंधेरा अंधेरा आ चुकी है तो तभी आपको ये चेंजेस करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे चैनल्स को कर दीजिए ब्लू। सबसे पहले कार्व पे यहाँ पे देखिए, ये जो कार्व्स वगैरह यहाँ पे ब्लैक टाइप का पोर्शन दिख रहा है राइट साइड पे नहीं है, तो जितना तक नहीं है उतना तक आपको ड्रैग करना होगा पॉइंटर को। ग्रीन पे चप पैनल पे जाऊंगा मैं, इतना तक रखूंगा, और यहाँ से रेड पैनल पे अगेन जाऊंगा, और यहाँ पे सबसे पहले धीरे धीरे करके सबसे पहले यहाँ पे डाउन करूंगा इतना तक। अभी ग्रीन थोड़ी सी लग रहा है कि यहाँ पे इतना तक डाउन करना होगा, तो इतना पे मैं छोड़ दिया, अभी ओके कर दिया। अभी देख सकते हो, सबसे पहले दिखा देता हूँ, फोटो था कुछ इस तरह का, मैंने यूज किया सिलेक्टिव कलर, तो कभी इस तरह का एक फोटो आ चुकी थी। अभी मैं लेबल्स यूज करते हुए कलर को वापस ले आया। तो अगर मैं इसको ग्रुप बना के देखूं तो आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरह का मैंने यहाँ पे चेंजेस कर किया हूँ। तो पहले था कुछ इस तरह का फोटो, अभी आया है कुछ इस तरह का। अब आप एडिटिंग वगैरह सारे कुछ कर सकते हो। तो इसके बाद अगर चाहते हो कि और भी परफेक्ट कलर, कलर टोन वगैरह सारे कुछ आ जाए, तो सिंपली अगेन एडजस्टमेंट आइकन पे जाइए, सिलेक्टिव कलर लीजिए, रेड को लिटिल बिट माइनस कीजिए यहाँ पे इसके फोटो के मुताबिक। आप सबसे पहले फोटो पे ध्यान देके देख लेना कि क्या क्या चीज़ें कमी है यहाँ पे। मैं इतना तक डाउन किया येलो को, अभी ग्रीन पे गया, ग्रीन को सबसे पहले इंक्रीज, इस साइड पे डिक्रीज, और इधर इंक्रीज, और ये वाला भी इंक्रीज, ग्रीन किया। अभी कैन पे जाके मेरा यहाँ पे देख सकते हो ड्रेसअप का थोड़ी सी कैन कलर थोड़ी सी चाहिए, तो मैं इसे कैन को इंक्रीज किया, मैजेंटास को सबसे पहले मैजेंटास को यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ, और यहाँ पे योलो को सबसे पहले योलो को कुछ इतना तक रखूँगा, ब्लैक्स को लिटिल बिट इंक्रीज कर लूँगा। अभी ये हो गया, ओके किया। अभी ओवरऑल फोटो देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो पहले तो आप लोगों को अलग दिख रहा था, इसको भी ग्रुप में डाल देता हूँ इधर। तो पहले दिख रहा था जो फोटो ये है, अभी ये, अभी इसके ऊपर चाहो तो आप हुई सैचुरेशन एक ले सकते हो, यहाँ पे 10 आप सैचुरेशन इंक्रीज कर सकते हो, और इंक्रीज करने के बाद और भी थोड़ी सी लुक बेटर लगेगा। तो मैं यहाँ से अगेन ये हुई सैचुरेशन को इसके अंदर डाल देता हूँ। बैकग्राउंड कॉपी को एक ले लेता हूँ, बैकग्राउंड का एक कॉपी ले लेता हूँ। सबसे पहले कॉपी लेने के बाद इसके ग्रुप के अंदर डाला,
तो ग्रुप के अंदर कुछ इस तरह से डाल दिया। तो अभी ये वाला करना क्या होगा, ये इस लेयर सेट जो है इसका एक डुप्लीकेट लेयर सेट ले लेता हूँ और कंट्रोल ई दबाते हुए ये लेयर सेट को मार्ज किया, मतलब जो फोटो मैंने इस सेट के अंदर जो स्टेप्स है वो ये मार्ज होके ये वाला बन गया है। अभी इसको आपको फिल्टर पे जाना होगा, ब्लर पे जाना होगा, गौसम ब्लर ले लूंगा, गौसम ब्लर पे लगभग 10 के आसपास अमाउंट डाल दूंगा। अभी बैकग्राउंड को मेरे को ब्लर करना है तो इसके ऊपर एक मास्क ले लूंगा और मास्क को आप चाहो तो कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट कर लीजिए और फॉरग्राउंड कलर को आपको व्हाइट रखना है और यहाँ से ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लीजिए और अभी बैकग्राउंड को धीरे धीरे इस तरह ब्रश करते रहिए। आप जितना टाइम देके बैकग्राउंड को ब्रश करके यहाँ पे ब्लर कर सकते हो उतना टाइम दे देना। मैं धीरे धीरे करके थोड़ी सी फास्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि यहाँ पे समय कम लगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद आपको नेक्स्ट वाला स्टेप्स दिखा देता हूँ। अभी देख सकते हो मैं तो सारे ओवरऑल ब्लरनेस बैकग्राउंड को कर दिया, अभी ओवरऑल फोटो देख सकते हो किस तरह लग रहा है। अब मैं इसको भी ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ सबसे पहले, अभी डाल दिया। अभी ओवरऑल फोटो के ऊपर आप चाहो तो एक कलर बैलेंस ले सकते हो जो मैं हर एक वीडियो पे दिखाता हूँ। अगर आप फोटोशॉप 7.0 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे कलर बैलेंस लोगे तो परफेक्ट आउटपुट यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा। अगर आप फोटोशॉप का हायर वर्जन जैसे CC वर्जन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर मिल जाती है, वहाँ से आप आसानी से ये कलर वगैरह जो कलर बैलेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे मैं ब्लूनेस को थोड़ी सी इंक्रीज़ करता हूँ और मैजेंटास को यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीज और यहाँ पे क्यान को थोड़ी सी डिक्रीज करूंगा। अभी मैजेंटास पे मिड टोन्स पे जाऊंगा, मिड टोन्स का ब्लू को +5 के आसपास, मैजेंटास को -5 के आसपास लगभग, और यहाँ पे क्यान को इंक्रीज करूंगा लगभग +5 के आसपास। अभी ओके किया, अभी ओवरऑल फोटो देख सकते हो किस तरह का लग रहा है। तो आप इसको भी मैं ग्रुप में डाल के सबसे पहले दिखा देता हूँ चेंजेस सारा फोटो में हुआ क्या। पहले था कुछ इस तरह का फोटो, अभी मैं एडिट करने के बाद कुछ इस तरह का आया है तो आप लोगों को पता चल गया होगा। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें मुमकिन है जो आप लोगों को सीख के यहाँ पे सीख लेना है सारे कुछ। तो ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आता है तो जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नया कोई एडिटिंग के साथ, नया कोई एक ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।